पुलिस ने एक नशीली कफ सिरप के तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाशी लेने पर एक पिस्टल और फर्जी जेल आईडी कार्ड बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी फर्जी जेल पुलिस का पहचान पत्र बनवाकर नशीली कफ सिरप के परिवहन में इस्तेमाल करता था। साथ ही आरोपी अपने पास लोडेड पिस्टल भी रखता था। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मऊगंज विवेक कुमार लाल के निर्देशन में स्थानीय पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए आरोपी के कब्जे से 110 सीसी प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप, एक अवैध पिस्टल में कारतूस के तथा धीरज कुमार के नाम का उत्तर प्रदेश कारागार बंदी रक्षक का फर्जी पहचान पत्र विधिवत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर थाने लाया गया है। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही कर आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है, जिसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी किसके लिए नशीली कफ सिरप लेकर रीवा पहुंचा था, उसकी तलाश की जा रही है। उक्त आरोपी को पकड़ने में थाना प्रभारी अरविंद सिंह राठौर, उप निरीक्षक चेतन मर्सकोले, सहायक उप निरीक्षक लंकेश प्रसाद, आर सुधीर मौर्य, आर विशाल सिंह, आर सोनू सिंह, आर अनूप सिंह, आर शिवपाल सिंह, आर सुरेंद्र कुमार मिश्रा, वंदना सिंह की विशेष भूमिका रही। आज चाकघाट पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक स्विफ्ट गाड़ी पकड़ी है, जिसमें जो है चालक धीरज मिश्रा, उसमें 110 सीसी कोरेक्स की लेके जा रहा था, जिसमें लगभग 1100 जो है ग्राम कोडीन की मात्रा थी, जिसे जब्त किया गया है। उसके कब्जे से एक पिस्टल भी मिली है, जिसमें एक जिंदा कारतूस है, और उसके पास एक आई कार्ड मिला है जो फर्जी है, जेल पुलिस का बना हुआ था। इसी के माध्यम से वो बैरियर से और लोगों को दिखा करके और अपनी जो है उपस्थिति छुपाता था, और कोरेक्स की जो है परिवहन करता था। इस तरह तो आज उसको उसके खिलाफ़ जो है एनडीपीएस के एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उसे जेल भेजा गया है।